नमस्कार, अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है अजहर अंसारी जी, सासाराम बिहार से, जो कि शेरशाह सूर्य की नगरी है। और इन्हें ये जो है मिलिट्री के बहुत अच्छे अभ्यर्थी हैं, गुड रनर है, 5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग पूरी कर लेते हैं। और इन्हें अपने राइट ईयर में डिस्चार्ज अन्य तकलीफ है, अब हम देखना चाहेंगे क्या पॉइंट है। नाक बंद तो नहीं रहता है आपका? नहीं सर, मतलब ब्लीडिंग भी लेते हैं कल, नाक में थोड़ा प्रॉब्लम। नाक में क्या प्रॉब्लम? ब्लीडिंग हुई? नहीं, ब्लीडिंग नहीं हुई। अच्छा, मतलब जाम हो गया था, नाक जाम हो गया। अच्छा, अक्सर नाक बंद हो जाते हैं या अभी बंद है? नहीं, जब कुछ ठंडा पीते हैं। अच्छा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पिया था क्या रास्ते में? जी, मुँह खुले आ आ। नमस्कार दोस्तों, अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है अजहर अंसारी जी, सासाराम बिहार से। और ये मुख्यतः कान में भारीपन, कान के बहने और कान की तकलीफों के चलते हमारे पास पहुंचे हैं। और विभिन्न जांचों में पाया गया है कि ये जो इनकी कान की तकलीफ है वो काफी एक्सटेंसिव है, कोलेस्टेटोमा और मैस्टोइडाइटिस और कान की बारीक अस्थियों का और बड़ी अस्थि का इन्वॉल्वमेंट है। और अब इस तकलीफ से इनको निजात दिलाने के लिए अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की पूरी टीम अपने भरसक प्रयास करेंगी। अब हम इनसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे, अजहर साहब आपको क्या तकलीफ रहती थी? सर, कान से कान बहता था जी, कान सुनाई देता था और कान में बदबू था जी, और सीटी की तरह आवाज आता था जी, और पीछे वाले सर में ना मतलब झिनझिनी टाइप का रहता था। झिनझिनी बोले तो भारीपन? जी जी जी, कान में भारीपन, कान से बदबूदार पानी का आना। और ये तकलीफ आपको कितने सालों से रही? लमसम ये तो रहा है मतलब काफी सालों से। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी सालों से रही लमसम? 8-9 साल। 8-9 सालों से, ठीक है। सुनने में कोई तकलीफ आपको? जी सर, कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है, कान के अपेक्षा इसे कम सुनाई देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अपने गांव और जिले के बारे में कुछ बताइए। जी, हम रोहतास जिले से बिलोंग करते हैं जी, शेरशाह की नगरी सासाराम से। वेरी गुड। और यहाँ पर मेरे आने का मुख्य मकसद हुआ कि मैं इंडियन आर्मी का एक अच्छा एक सिलेक्टर हुआ हूँ। करेक्ट। और सर, हम तो उम्मीद हार चुके थे जी, मेडिकल पॉइंट हमको 2021 में ही मिला था जी, साल ही जी। तो फिर यहाँ के बारे में जाने तो फिर एक उम्मीद, एक जोश जगह अंदर, तो कहें कि क्यों ना एक बार फिर ट्राई किया जाए जी जी। तो उसी उम्मीद लेकर आए हैं सर जी। रास्ता मुश्किल है पर असंभव नहीं है, आपने यह सिद्ध कर दिखाया है कि मुश्किलों से लड़ना एक सैनिक की सबसे बड़ी लड़ाई है, वो लड़ाई अपने आप से भी है और दुश्मनों से भी है, ठीक है। आपकी ये प्रेरणा बहुत ही अद्भुत है और सभी के लिए प्रेरणादायक है। अब हमारी टीम कोशिश करेगी पूर्ण रूप से कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेगी। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ हम देख सकते हैं ऑपरेशन के दौरान अंतःकरण की खराब अस्थियाँ जिन्हें निकाला गया था। अजहर जी, हाँ, आपका कान का जो ऑपरेशन है टिम्पेनोमैस्टॉइड सर्जरी विद ऑसिकुलोप्लास्टी, ये दूरबीन विधि द्वारा ही हो गया है। और अब हम देखना चाहते हैं कान का पिछला हिस्सा। विकास जी, कान का पिछला हिस्सा दिखा दीजिए। फैंटास्टिक, हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का कट चीरा निशान नहीं है, ठीक है।
ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा ही संपन्न किया गया है। फैंटास्टिक। और एक बार दर्शन करा दीजिए, बात करा दीजिए। ठीक है, आपका बहुत अच्छी बात रही कि दूरबीन से ही ये काम हो गया है। आपको कोई खास तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, हमको ऑपरेशन से पहले आपके मन में बहुत सारे डर थे, वो क्या क्या थे बताइए सर? पहले तो बहुत डरा रहे थे कि दर्द करेगा वगैरह वगैरह, लेकिन जब हो रहा था मतलब ऐसा कुछ था फील हुआ जी। और क्या मन में विचार था आपके, जिसको लेकर आप सुबह से परेशान थे? सर यही, कैसे होगा कैसे नहीं होगा जी। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा बिना बाह्य चीरे के संपन्न हो गया है। ठीक है, और इसमें टॉर्क पॉर्क आपके जो हड्डियां जो गली हुई थी उनकी जगह छोटी इम्प्लांट लगा दिए गए हैं, जो मैं आपको निकाली गई अस्थियां आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।